यहाँ पर से जो है ना दोस्तों, जब घंटा बजता था तो पूरे भरतपुर को जो है ना दोस्तों वो पता चल जाता था। तो अगर बजाना चाहे और ऐसे जो है बजा सकते दुकान है। तो ये जितने भी दुकानें जो है ना दोस्तों, वो जो है वो मंदिर का है। राजा बलवंत सिंह जो है ना दोस्तों, वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको एक जैसा देखते थे। मुसलमानों को जो है ना दोस्तों, यहाँ पर जगह दिया गया बनाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद बरार सिद्दीकी और आज जो है ना गाइस, हम लोग आ गए हैं राजस्थान के भरतपुर शहर में। जी दोस्तों, आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है श्री गंगा मंदिर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ऐतिहासिक मस्जिद भी है, मंदिर भी है। क्या है स्टोरी, क्या है इतिहास, वो सब जो है ना दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है ना दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है ना दोस्तों, वो हिट से ज़्यादा लिट होने वाला है पहले के वीडियो की तरह। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है ना, मैं मंदिर से बाहर हूँ, ठीक है। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये मंदिर है, और ऊपर जो है दोस्तों वो मंदिर है, और नीचे जो है ना दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप कि मंदिर के नीचे चारों तरफ जो है ना वो दोस्तों मार्केट है, यानी दुकान है। तो ये जितने भी दुकानें जो है ना दोस्तों, वो जो है वो मंदिर का है, ठीक है। इसका जो भी किराया है, जो भी भाड़ा है, वो सारा का सारा जो है ना दोस्तों, वो मंदिर को ही जाता है। अब जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ इस मंदिर के अंदर, और इस मंदिर का जो है ना दोस्तों, हर एक व्यू और हर एक नकाशी जो है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, चलो। यहाँ से देख रहे होंगे दोस्तों आप, पूरा चारों तरफ से जो है ना दोस्तों, वो दुकान जो है वो बना हुआ है, बहुत दूर में है, ठीक है। इसका जो मेन दरवाजा जो है मंदिर का, वो उस तरफ से है। अभी हमें काफी पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों। वहां से जो है ना, इधर आने के बाद जो है ना दोस्तों, हमें मिला है मंदिर का दरवाजा। ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये सारे दुकानें जो है वो मंदिर का ही है। ये है दोस्तों मेन एंटर दरवाजा, मंदिर श्री गंगा जी भरतपुर लिखा हुआ। यहाँ से जो है ना आप दोस्तों वो देख सकते हैं, इतना बेहतरीन जो है इसका व्यू है। इसका इतिहास जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर मैं इसकी नक्काशी और कारीगरी की अगर मैं बात करूँ, तो ये पूरा मंदिर जो है ना दोस्तों, वो पूरा पीला पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों, वो इतिहास भी जो है वो लिखा हुआ जो है दोस्तों, वो इंग्लिश में लिखा हुआ, और इधर जो है दोस्तों वो हिंदी में लिखा हुआ। दोस्तों ऊपर जाने से पहले जो है ना, मैं आप लोगों को इसकी नक्काशी और कारीगरी दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो दोस्तों, इतने अच्छे जो है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है वो फ्लावर्स जो है वो बने हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर भी जो है ना दोस्तों, आप ये फ्लावर जो है वो देख सकते हो। और पिलर पर जो है ना दोस्तों, वो मूर्तियाँ बनी हुई है, ये देख सकते हो आप। दोस्तों हम जो है ना ऊपर की तरफ चले। दोस्तों अभी जो है ना, मैं हूँ मंदिर में, ठीक है, मंदिर के ऊपर। तो यहाँ ऊपर आने के बाद जो है ना दोस्तों, इतना ठंडा फील कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार चारों तरफ जो है ना वो कूलर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कूलर जो है ना वो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ऊँचाई पर है ना, तो इतना अच्छा हवा आ रहा है मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को और थोड़ा अंदर से व्यू दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना इसके इतिहास की तरफ लेकर के चलूँगा मैं आप लोगों को। दोस्तों आप ये इसका नक्काशी जो है वो आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन जो है वो बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये इससे आगे जो है ना आप नहीं जा सकते हो, इससे आगे जो है ना वो पुजारी जी जो है वो बैठते हैं। यहाँ ऊपर जो है ना दोस्तों, आप ये देख सकते हो, पूरा झरौका टाइप में जो है ना ये पूरा ऊपर बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त है यार इसका व्यू। तो अगर मैं आप लोगों को जो है ना इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इतिहास जो है दोस्तों शुरू होता है 1845 के कहत साली पर। जी दोस्तों, 1845 में जो है ना दोस्तों, वो कहत साली पड़ गया था। यहाँ पर जो है ना दोस्तों, वो बारिश जो है वो नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा बलवंत सिंह, जो है ना दोस्तों, वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको एक जैसा देखते थे। राजा बलवंत सिंह ने जो है ना हिंदू मुसलमान दोनों से कहा कि आप लोग दुआ कीजिए, और हिंदू भाई से कहा कि आप लोग जो है ना वो प्रार्थना कीजिए कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों वो बारिश हो। लोगों ने दुआएं की, लोगों ने प्रार्थना किया, कबूल हुआ, और यहाँ पर जो है ना दोस्तों वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना दोस्तों वो बारिश जो है वो शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। जब बारिश जो है ना शुरू हुआ और इसकी कमी जब पूरी हो गई, फिर उसके बाद जो है ना दोस्तों,
मुसलमानों को जो है ना दोस्तों यहाँ पर जगह दिया गया बनाने के लिए जामा मस्जिद, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है दोस्तों। और हिंदू के लिए जो है ना दोस्तों ये जगह दिया गया गंगा मंदिर के लिए। दोनों जो है दोस्तों 1845 में जो है ना दोस्तों वो शुरू हुआ था बनना, और 1937 में जो है ना दोस्तों मंदिर जो है दोस्तों वो बनकर तैयार हो गया था। यानी लगभग 90 साल लगे इस मंदिर को बनने में। क्यों ना, क्योंकि इसके नक्काशी और कारीगरी को भी देख करके जो है ना दोस्तों मैं अचंभित रह गया, क्योंकि ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में, राजस्थानी पत्थर जो पीला पत्थर होता है उस स्टाइल में जो है ना दोस्तों इसको बनाया गया है। और भी जो है ना दोस्तों मैं इसका आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ जहाँ से जो है ना इसका व्यू देख सकते हो, जो पूरे के पूरे जो है ना दोस्तों तो पूरा जो है पीला पत्थर से बना हुआ है, बहुत बेहतरीन। और सब ये जो है ना दोस्तों मंदिर का सामने से जो है वो व्यू है। यहाँ पर पता है मुझे सबसे बेहतरीन क्या लगा, ये मंदिर की घंटी, इसको अगर बजाना चाहें तो ऐसे जो है बजा सकते हैं। यहाँ सामने ये जो है दोस्तों राजा बलवंत सिंह का जो है ना वो पीक है, और ये जो है उनके पांचवे पुश्तों का जो है ना वो पीक। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है घंटा घर। जी दोस्तों, इसके ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना दोस्तों वो घंटा लगा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर से जो है ना दोस्तों जब घंटा बजता था तो पूरे भरतपुर को जो है ना दोस्तों वो पता चल जाता था कि गंगा मंदिर के अंदर जो है ना दोस्तों वो घंटा बज रहा है, क्योंकि उस जमाने का घंटा आज भी है इसके अंदर है दोस्तों घंटा। इस घंटे के ऊपर जाने का जो है ना ये रास्ता, और इस मंदिर का यहाँ से जो है ना आप ये व्यू देख सकते हो दोस्तों। अभी जो है ना मैं आप लोगों को पीछे से भी व्यू दिखाऊंगा इसका। इस मंदिर का जो है ना दोस्तों वो पीछे से जो है ना वो व्यू देख सकते हो आप, कितना बेहतरीन जो है दोस्तों इस मंदिर को बनाया गया है। ऐसा ही जो है दोस्तों उस तरफ भी है चबूतरा बना हुआ, और ऐसा ही जो है दोस्तों वो इस तरफ भी है। यहाँ पर जो है ना दोस्तों वो रात का व्यू जो है वो बहुत बेहतरीन रहता है। ये देख सकते हो आप पूरा लाइट वगैरह जो जलता है ना, जिसके ज़रिए जो है ये पूरा पीला पत्थर जो है बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ यहाँ सामने में जो है दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये है गंगा मंदिर। तो गाइज़ मैंने जो है ना आप लोगों को दिखाया ये गंगा मंदिर का जो है ना व्यू, ठीक है, और इससे जुड़ी जो भी इतिहास है वो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि दोस्तों ये मंदिर है बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, और बहुत अच्छा स्टोरी जो है ना दोस्तों ये मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोस्तों वो एक जामा मस्जिद भी है और ये है एक गंगा मंदिर। दोनों मंदिर और मस्जिद जो है दोस्तों वो राजा बलवंत सिंह ने जो है दोस्तों वो बनवाया था। वो क्यों बनवाया था वो सारा स्टोरी जो है दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप कि ब्लॉग जो है गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलते रहे, क्योंकि आपका भाई जो है ना ऐसे कॉन्टेंट जो है वो बनाता रहता है। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्सप्लोरर पर भी न्यू अबरार सिद्दीकी ब्लॉग के नाम से जो है ना दोस्तों वो फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।